नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा। समय है खबरें फटाफट का, तो चलिए शुरू करते हैं। सुजानपुर के दारला में लकड़ियों में छुपे बड़े अजगर को पकड़ने में कामयाबी। ग्रामीणों व वन्य प्राणी विभाग ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। सोमवार को सोलन में उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने स्वच्छता अभियान का किया शुभारंभ। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की दिलाई शपथ। श्रावण नवरात्रों में प्रदेश भर के विभिन्न धार्मिक स्थलों में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं को लानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। सीमाओं पर खाकी का पहरा। महिला समिति, नौजवान सभा व SFI बॉय स्कूल मंडी के आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में उतरी। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा मांग पत्र। सोमवार को नगर परिषद ऊना ने स्वच्छता सप्ताह की मलाहत गांव से की शुरुआत। मुख्य अतिथि DC ऊना राघव शर्मा ने स्वच्छता पर दिया जोर। स्वच्छ हिमाचल, स्वस्थ हिमाचल के चलते ऐतिहासिक मैदान सुजानपुर को जहरीली घास मुक्त बनाने का लिया प्रण। उपमंडल अधिकारी ने भी मैदान से निकाली जहरीली घास। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का जोगिंद्रनगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। बैठक में सबसे पहले स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि। लोक निर्माण विभाग ने चंबा में छेड़ा स्वच्छता अभियान। कूड़ा करकट इकट्ठा कर लगाया ठिकाने। राजकीय जिला पुस्तकालय धर्मशाला में पुस्तक प्रदर्शनी का प्रमुख शिक्षाविद प्रोफेसर रमेश दत्त ने किया शुभारंभ। स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ने पर दिया बल। नौराधार में किसानों ने पूरे बाजार में निकाली रैली। केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। नगर परिषद सुजानपुर में भाजपा समर्थित मनोनीत पार्षदों को दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। महंगाई के विरोध में किसान व मनरेगा मजदूरों ने गांधी चौक हमीरपुर में किया प्रदर्शन। रैली भी निकाली, सरकार पर बोला हमला। मंडी में सोमवार को किसान सभा का केंद्र की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। महंगाई पर भाजपा सरकार को लिया आड़े हाथ। जिला सोलन में 15 अगस्त के बाद किसी को नहीं लगेगा वैक्सीन का पहला डोज। CMO डॉक्टर राजन उप्पल ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। करसोग में करंट लगने से सैनिक खूबराम की मौके पर मौत। सेना के जवान ने 7 महीने के बाद होना था रिटायर। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें शाम 6 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।